नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मास कम्युनिकेशन विषय से जुड़ी बेसिक टर्म्स के बारे में शुरू की गई इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कर्टन रेजर क्या होता है। मीडिया के विद्यार्थियों के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं नेट के एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्टन रेजर क्या है। जैसा कि इसके जो शाब्दिक अर्थ है, कर्टन मीन्स जो पर्दा होता है, और जो रेजर जो उसको उठाने वाली कोई न्यूज़ होती है, यानी एक पर्दे के पीछे कोई घटना होती है उसको जो सामने लेके आता है जर्नलिस्ट, उसका पर्दा हटाता है और लोगों के बीच में उस खबर को लेके आता है, प्रस्तुत करता है, तो उससे जुड़ी खबर को कर्टन रेजर कहा जाता है। आइए अब इस टर्म को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब भी सरकार बनती है, खासकर अगर हम बात करें जब हमारे देश में आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद जब उसका परिणाम आता है, तो परिणाम आने के बाद नज़र ये रहती है कि किसको मंत्री पद मिलेगा, किसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, सरकार की जो फॉर्मेशन है, जो सरकार का एक तरह से काम करने का तरीका क्या होगा, और किस मंत्री को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, और क्या रहेगा उसका सारा ढांचा क्या रहेगा, इस पर लोगों की काफ़ी नज़रें रहती हैं। तो अक्सर जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पॉलिटिक्स की जो बीट देखते हैं, जो राजनीति के गलियारों की बड़ी एक तरह से अंदर की खबरें लेकर आते हैं, वो बड़े एक्टिव उस दौरान हो जाते हैं और वो अलग अलग खबरें ब्रेक करते हैं। तो उन खबरों को एक तरह से जब वो सामने आती हैं सरकार की फॉर्मेशन से पहले, अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जब अंदाज़ लगाया जाता है कि इसको गृह मंत्री बनाया जाएगा और फलाने जो पॉलिटिशियन हैं या जो इलेक्शन जीत कर आए हैं उसको वित्त मंत्री बनाया जाएगा। तो अलग अलग तरह के अंदाज़ एक तरह से रहते हैं, हाइपोथेटिकल रहते हैं वो। तो वो अंदाजे जो होते हैं कि इस तरह की फॉर्मेशन रहेगा, वो कहीं ना कहीं खबरें जो ब्रेक करते हैं जर्नलिस्ट, उसको कर्टन रेजर कहा जाता है। और अक्सर जो अनुभवी जर्नलिस्ट होते हैं उनकी ये खबरें बड़ी एक्यूरेट होती हैं, उनकी खबरों में एक्यूरेसी रहती है। यानी जो एक कर्टन रेजर जो होता है, वो एक न्यूज़ होती है जो एक मेन इवेंट के होने से पहले उसके बारे में बताती कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो जो हाइपोथेटिकल एक सोर्सेज के बेस पे, वो केवल हवा में एक जर्नलिस्ट खबर नहीं लिखता, बल्कि उसके कुछ सोर्सेज होते हैं जिसके सहारे वो उस खबर को लिखता है, जिन सोर्सेज से, इंफॉर्मेशन के बेस पे उन खबरों को वो तैयार करता है। इन सब खबरों को जो प्रकाशित होती हैं, इनको कर्टन रेजर एक तरह से बोला जाता है। तो आज हमने कर्टन रेजर टर्म को डिस्कस किया, उसको एग्जांपल के जरिए समझा भी। इस वीडियो सीरीज़ की जो अगली कड़ियाँ होंगी उसमें भी हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी बेसिक टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे और उनको बिल्कुल अपने आसपास के उदाहरणों के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।